आप लोगों ने हाल ही में अभी मालाबार जो अभ्यास होने जा रहा है इसके बारे में सुना होगा। एक बात और आपको बता दूं, जिस समय भी आप परीक्षा देने जा रहे हो, देखिए प्रीलिम्स हो या फिर आपका आंसर राइटिंग मेंस हो, लिखने के लिए लिखित परीक्षा हो, इसमें दो बातों का हमेशा ख्याल रखिए। आप लोग जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखते हैं, यानी कि इससे कोई क्वेश्चन आसपास आता है, जैसे भारत चाइना हो गया, भारत ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत यूएसए हो गया, तो इनके बीच जो जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं इस तरह के, इनको भी आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में। और प्रीलिम्स में तो आप देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये भी देखा है वनडे एग्जाम में भी आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बारे में अभी क्यों चर्चा में है इसे देख लेते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि मालाबार 2020 यानी कि 2020 नौ सैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शामिल और मैं ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होगा। एक बार आप लोग मैप्स में इसे देख लीजिए, ये हमारा प्यारा एशिया, ये हमारा भारत, ठीक है, ये आपका चाइना पड़ोसी हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे श्रीलंका है, और यहां आप देखेंगे ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। मालाबार 2020 में क्वाड समूह, क्या क्वाड समूह के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। अगस्त 2020 में रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक में ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी आलोक में ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते रक्षा व सहयोग के चलते मालाबार 2020 ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी होगी। मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन नवंबर के अंत में किया जाना है, और अक्टूबर के अंत में अभ्यास के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। यह औपचारिक रूप से क्वाड समूह के चारों देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाएगी। क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसे आप लोग मैप में सबको सभी देशों को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख ही चुके हैं, भारत की स्थिति आप देख ही चुके हैं क्योंकि भारत में तो रह रहे हैं, तो इसके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। जापान ए है, कहा है जापान ए है। और यूएसए की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो सामान्य तौर पर अमेरिका जिसे हम कहते हैं उसे यूएसए भी कहते हैं आप लोग, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया का क्या इस पर कहना रहा है, तो ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के नियंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक अभ्यास 2020 में भाग लेगा। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता को बढ़ाएगा ताकि शांति और स्थिरता कायम रख सके। और एक बात और याद रखिए, इसमें यह भी पूछ लेगा कि मालाबार जो अभ्यास हो रहा है इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिए। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार मालाबार जैसे उच्च स्तरीय नौसैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया की समुद्री क्षमता को बढ़ाने, एक खुले और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने तथा सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व आयोजन की बात करें तो यह वार्षिक नौसेना अभ्यास वर्ष 2018 में फिलीपींस के गुआम तट पर और 2019 में जापान में आयोजित हुआ था। तो इसका पहला ये आप देखेंगे, यह वार्षिक नौसेना अभ्यास है 2018 में कहाँ हुआ था, फिलीपींस के जो गुआम तट है इस पर, और 2019 में ये जापान में हुआ था। इस वर्ष मालाबार नौसैनिक अभ्यास को समुद्र में बिना संपर्क पैरों पर आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने से संबंधित मुद्दा क्या है? तो 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। तब भारत ने सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन चीन ने इस पर एतराज जताया था। चीन द्वारा अनिच्छा प्रकट किए जाने के बाद भी भारत ने कहा है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश के लिए द्वार खोले हैं। ऑस्ट्रेलिया 2007 में एक बार अभ्यास में शामिल हुआ था, लेकिन चीन की आपत्तियों के बाद वह इससे अलग हो गया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने के लिए अनुरोध किया था। तो यह भी पूछ लेगा कि इससे पहले भी कभी शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखिए 2007 में हुआ था। तब भारत भी ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध को स्वीकार करने का अनिच्छुक था, परंतु वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग काफी बढ़ गया है। यह नौसैनिक अभ्यास भारत द्वारा अमेरिका के साथ चार मूलभूत समझौतों में से तीन पर हस्ताक्षर करने और अमेरिका से रक्षा खरीद बढ़ाने, अंतर क्षमताओं को सक्षम करने के क्षेत्र में आगे बढ़ा है।
जापान और अमेरिका भी मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं। भारत और जापान के साथ सितंबर में एक सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अब भारत के अन्य क्वाड राष्ट्रों के साथ इस तरह की समझौते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और जापान के साथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए समुद्री सूचना साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसी के तहत तरह के समझौते के लिए अमेरिका के साथ चर्चा भी चल रही है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। कब? 1992 की बात है। 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले अन्य अभ्यास पिच ब्लैक और ओशिनेक्स भी शामिल है। ये भी आपके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होते हैं, तो इसे भी याद रखिए। इसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडेक्स मतलब इंडिया भी हो गया, ठीक है। इसमें तो यही है आपके मालाबार की जो भी अभ्यास होने जा रहा है इसकी कहानी, इसके बारे में यही मुख्य तथ्य हैं आपकी, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं, ठीक है।